देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पुराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और आपका पेज नंबर वही चल रहा है। तो इसमें आपको दिया गया है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस ऐसे डॉट डॉट इनफिनिट तक चला है। तो जब ऐसा सवाल आ जाए आपके लिए तो आपको काम क्या करना है, तो आपको इस पूरे को y मान लेना है। तो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, तो हमने मान लिया, माना y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस y। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग, ये y का स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर, अंडर रूट साइन एक्स प्लस y का करेंगे तो यहाँ अंडर रूट हमारा हट जाएगा, साइन एक्स प्लस y बचेगा। अब हमने ये देखा कि y स्क्वायर y को इधर ले आइए तो y स्क्वायर माइनस के y हो गया बराबर साइन एक्स हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y स्क्वायर का रूल लगाएंगे, पहले घात वाला, तो घात वाला लगाओगे तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, माइनस y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। फिर dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2y माइनस का 1 बराबर के cos x, यही आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें आपको दिया गया है y बराबर tan x, tan x की पावर tan x, फिर tan x की पावर tan x। जब घात के ऊपर घात हो उस सवाल को हल करने के तरीके हैं। सबसे पहला काम है जब घात के ऊपर घात हो तो दोनों पक्षों का लॉग लिया जाता है। दोनों पक्षों में क्या लिया जाता है, लॉग लिया जाता है, तो दोनों पक्षों में लॉग लिया तो y के संगे क्या हो गया लॉग y हो गया। अब tan x के ऊपर tan x है तो हमें मालूम है घात के ऊपर घात होती है तो उसका गुणा होता है, तो tan x का tan x में गुणा किया tan स्क्वायर x हो गया और यहाँ हमारे पास लॉग है, ठीक है। तो log y बराबर tan स्क्वायर x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा log tan x हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो log y का क्या होगा 1 अपॉन y और y का क्या होगा dy अपॉन dx बराबर tan स्क्वायर x d अपॉन dx log tan x होगा प्लस log tan x और tan स्क्वायर x का अवकलन करेंगे तो tan स्क्वायर x और log tan x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन tan x, फिर tan x का अवकलन होगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस log tan x, वैसे ही लिख दिया। फिर tan स्क्वायर x का करेंगे तो पहले घात वाला रूल लगाएंगे तो घात वाले में क्या करते हैं nx n माइनस के बाद लगाते हैं तो 2 tan x हो जाएगा, tan x का अवकलन करोगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए तो ये स्क्वायर जो ये वाला स्क्वायर इस tan x से कट गया तो हमारे पास बचा tan x sec स्क्वायर x प्लस log tan x, यहां हो गया 2 tan x sec स्क्वायर x। इन दोनों में हमने देखा क्या कॉमन है, tan x sec स्क्वायर x कॉमन है तो 1 प्लस 2 log tan x, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।